गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। इसके बारे में लास्ट वीडियो में हमने कुछ डिटेल्स देख ली थी। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, अतीत के बारे में कैसे जाने। ठीक है, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। पुराने टाइम, अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लेटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। देखिए, पांडुलिपि जो है वो हिंदी वर्ड है, ठीक है, हिंदी शब्द है, और पांडुलिपि का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो मैन्यूस्क्रिप्ट होता है, और मैन्यूस्क्रिप्ट है वो लेटिन शब्द मेन्यू से बना होता है, और मेन्यू का मतलब होता है हाथ। ठीक है, तो हाथ से लिखा गया। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भूर्ज पत्र पर लिखी मिलती है। तो ये ताड़ पत्रों पर लिखी होती थी, ठीक है, मेन ये था। तो जिस तरह से पेड़ का जो पत्ता होता है उसके ऊपर इसको लिखा जाता था। देखिए, ये यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे इस तरह से पुराने टाइम का एक पेज मिला है। ठीक है, ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, जिसे ये नीचे दे रखा था। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ पत्र के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो, कि सारे जो पत्ते होते हैं उनको कलेक्ट करके इस तरह बुक के रूप में बना दिया जाता था। ठीक है, एक किताब के रूप में उनको इकट्ठा कर दिया जाता था। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। देखिए, मंदिर होते हैं और विहार होते हैं, जहाँ पे साधु संन्यासी रहते हैं ना, उनका रहने का स्थान। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में। देखिए, पुरानी जो भाषाएं हैं ना, वो प्राकृत और तमिल थी। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, जो साधारण जनता की भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख, देखिए अभिलेख क्या होते हैं, ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर स्तरों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। ठीक है, तो देखिए, पत्थरों पे या कि जो धातु की जो भी चीज़ होती थी उसके ऊपर खुदवा देते थे। राजा जो होते हैं ना, वो अपने आदेशों को या अपनी जो भी ऑर्डर होते आज्ञा उनको खुदवा देते थे ताकि लोग उन्हें देख के पढ़ सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। सामान्यतः तो देखिए राजा के होते हैं, बट कुछ जो लोग थे वो भी अपने बारे में लिखवा देते थे। उदाहरण के लिए, प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। ठीक है, तो राजा जो जीतते थे ना, उसके बाद में अपनी जीत की प्रशंसा में लिखवाते थे ये। देखिए, यह इधर बॉक्स में दे रखा है, इसको भी देखते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक महान अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्तीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिखने की लिपि और बोलने के लिए भाषा। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामैक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में। ठीक है, देखिए अब आपको ये देखना, यूनानी और जो अरामैक थी, ये क्या थी, दो लिपि और भाषाएँ थी। ठीक है, और ये जो थी अफगानिस्तान का जो एरिया था उस साइड में पाई जाती थी, उस साइड में लिखा जाता था इससे। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी
और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। जो पुरानी चीज़ों के बारे में खोजबीन करते हैं ना, उनको पुरातत्वविद बोलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। तो पुरानी जब चीज़ें की खुदाई की थी तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिली थी। देखिए बाएं तरफ दे रखा है एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था, इतना पुराना है। ठीक है, दाएँ एक पुराना चांदी का सिक्का मिला है, ये घड़ा है और ये चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से ये सिक्का कैसे बनता? तो देखिए हमारे कॉइन जो सिक्के हैं वो किस तरह के होते हैं, और जो पुराने टाइम में जो सिक्के मिले थे वो ऐसे होते थे। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने तथा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। ठीक है, तो पुराने टाइम में पता करने के लिए कि लोग क्या खाते थे, तो वो जानवर जो थे ना इनकी हड्डियों को इकट्ठा करते थे, क्योंकि जो अनाज था उसके तो पार्टिकल्स नहीं मिल पाते। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। देखिए इतिहासकार किसको बोलते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं, ठीक है, हिस्ट्री का जो अध्ययन करते हैं ना उनको बोलते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही किसी भी तरह का स्रोत मिल जाता है, अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए हम लोग भी पहले क्या हुआ था, इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं, और हमें भी कुछ पुरानी चीज़ मिलती है तो हम उसके बारे में और ज़्यादा जानने के उत्सुक रहते हैं। तो इतिहासकारों का काम भी यही होता है कि पुरानी जो भी चीज़ें हैं उनकी जानकारी इकट्ठी करना। अतीत एक या अनेक? ठीक है, तो अतीत एक होता है या बहुत सारे हैं? क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत का ऊपर ध्यान दिया है? देखिए बुक का जो हेडिंग है, बुक का जो नाम है, वही हमारे अतीत है। ठीक है, यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के लिए अलग अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों और कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। देखिए सबका जीवन अलग था, उस टाइम में राजा भी होते थे और सामान्य जनता भी होती थी। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके और फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए उन व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। ठीक है, तो ये जैसे शहरों के लोग जो होते हैं ना, ये जो लोग मछलियाँ, शिकार, फल फूल थे ना, इन पर भी डिपेंड रहते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य भेद है, उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे कि राजा ने कौन सी लड़ाई जीती है। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। देखिए राजा जो होते ना, वो तो अपनी जो जीत होती थी, अपनी जो भी युद्ध थे, उन सब के बारे में लिखवा देते थे, तो आने वाले जो भी लोग थे, ठीक है, भविष्य की जो जनता थी ना, नई जो पीढ़ियाँ थी, वो सब उनके बारे में पता कर लेती थी। देखिए आज हम अशोक के बारे में पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं, तो वो हमको कहाँ से मिली है? उनके जो भी लिखित हमको
अवशेष मिले उनसे पता चलता है। उन्होंने स्तंभ लेख बनवाए थे, कुछ उनके बारे में किताबों में लिखा हुआ मिलता है। तो इसी तरह से, पर जो साधारण जनता थी उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनके बारे में कोई घटनाएं नहीं लिखी जाती थी। ठीक है, तिथियों का मतलब, जो डेट्स होती है ना तिथियाँ, उनका क्या मतलब होता है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई वर्ष बताओगी। ठीक है, अगर आपसे कोई डेट पूछता है तो आप ये बताते हैं। वर्ष की ये गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक, देखिए यहाँ से अंडरलाइन करना, ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ठीक है, तो ये जो अभी हम लोग जिसको ईयर वर्ष बोल रहे हैं ना, जैसे अभी 2020 चल रहा है, तो ये ईसा मसीह जो थे ना उनके जन्म के हिसाब से चलता है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है, कहीं कहीं आपने ये भी देखा होगा ना कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व, ईसा से, ईसा के जन्म से पहले, ये ईसा का जन्म था 0 से, और इसके बाद में यहाँ हम लोग जो चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ अभी हम 2020 पे पहुँच गए, और इससे पहले का समय। इतिहास और तिथियाँ, अंग्रेजी में BC, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं, का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व होता है। देखिए छोटे छोटे टर्म्स आते रहते हैं बीच में, तो आप लोग उनका ध्यान रखना। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD भी होता है, हिंदी में ईस्वी लिखा होता है, AD का मतलब था ईस्वी। इसे यह एनो डोमिनी नामक दो लेटिन शब्दों से बना है, इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष हैं। ठीक है, कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, CE का मतलब होता है कॉमन एरा, और BCE का होता है बिफोर कॉमन एरा, और कॉमन एरा जो है वो, कॉमन एरा जो वर्ड है वो ईसा मसीह के जन्म वाले वर्ष से लिया जाता है। ठीक है, हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो BP भी होता है, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, मतलब वर्तमान से पहले। पृष्ठ 3 पर दो तिथियां हैं, उनका पता लगा और उनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। अन्यत्र एक्स्ट्रा फैक्ट भी दे रखे हैं, वो देख लेते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर स्तरों पर उत्तीर्ण किए जाते थे। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अभिलेख जो होते हैं वो कठोर स्तरों पर लिखे जाते हैं, जैसे कि पत्थर की चट्टानों पर या धातु पर। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था, इसका पता अज्ञात लिपिकार निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। तो देखिए इसका पता इस तरह से लगाया जाता है, ये जो ये लिखे होते हैं ना वर्ड्स वगैरह या जो भी चीज़ें यहाँ बनाई गई है, इनसे जो इतिहासकार है वो पता लगाने की कोशिश करते हैं। ये छोटी सी एक स्टोरी दे रखी है, लिखते कि मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा था, कस्बा है। ठीक है, यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्र मिला है जिस पर एक ही लेख तीन भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों में, जिसमें यूनानी तथा मिस्री लिपि के दो प्रकार, कुछ विद्वान यूनानी पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए, ठीक है, जिन्हें कारतूश कहा गया है। तो ये जो उस एरिया के लोग थे या जिनको वो वाली लैंग्वेज पढ़नी आती थी, तो उन्होंने इस चीज़ को पता कर लिया। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर और ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने ये जान लिया कि विभिन्न अक्षर
किनके लिए प्रयोग किए जाते हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। ठीक है, तो जैसे हम लोग ना देखते हैं रीजनिंग के अंदर कूट लेखन वाला है ना, उस तरह से हम देखते हैं ना कि इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया, फिर हम उसका अगले क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन करते हैं। तो उसी तरह से तो देखिए ये जैसे पहला जो चित्र है उसमें शेर है तो शेर के नीचे एल दिखाया हुआ है, नेक्स्ट के अंदर भी सेम है तो एल फॉर लायन होता है, उन्होंने ये मान लिया था, ठीक है, अंदाज़ा लगाया था। जैसे कि ये बना हुआ है तो इसका ओ बनाया तो इसको भी इन्होंने ओ माना, नेक्स्ट टर्म में जब इस तरह की आकृति उनको मिली तो इन्होंने इसको ओ पढ़ा, ठीक है। तो इस तरह से वो पता लगा लेते थे और पढ़ते थे। ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ और ये इनको देख लेते हैं, ठीक है। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व के हैं, जो पहला नगर जिसको बोलते हैं ना, देखिए इनके बारे में विस्तार से हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो ये कुछ पुरानी डेट्स दे रखी है जिससे हम लोग आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।